हेलो फ्रेंड्स, मधुज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ कच्चे आम का रसीला मुरब्बा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप इसे स्टोर करके एक महीने तक रख सकते हैं, ये जल्दी ख़राब नहीं होता है। इसे आप रोटी पूड़ी पराठे के साथ खा सकते हैं, खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। बच्चों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आता है। चलिए देर न करते हुए इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 7 मीडियम साइज़ का कच्चा आम लिया है। आम को छीलेंगे और इसे छोटे छोटे टुकड़े में काट लेंगे। गैस पर मैंने पैन रखा है, इसमें 2-3 चम्मच तेल डालेंगे। तेल के गर्म होते ही इसमें मैं डाल रही हूँ 2 तेज़पत्ता, 3 सूखा लाल मिर्च, 1 चम्मच जीरा, 1/4 छोटी चम्मच मंगरेल और 1/2 चम्मच मैंने इसमें सौंफ डाला है। तड़के को अच्छी तरह से भून लेंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे कटा हुआ आम। तो आम को आप बहुत ज़्यादा छोटा ना करें, थोड़ा बड़ा बड़ा ही इसका टुकड़ा रखें, तभी ये मुरब्बा खाने में अच्छा लगेगा। इससे पहले मैंने आपके साथ आम का सिंपल तरीके से मुरब्बा बनाना बताया था, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। 1/4 छोटा चम्मच इसमें मैं नमक डाल रही हूँ, नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, हल्दी से इसमें कलर बहुत अच्छा आएगा। मैंने आपके साथ आंवला मुरब्बे की रेसिपी शेयर की थी और गाजर का मुरब्बा का, आप सबने बहुत ज़्यादा इस वीडियो को पसंद किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। आम को मैंने ढक दिया है, आम को पकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मैंने 2 मिनट के लिए ढक के पकाया है। आम 60-70% तक पक चुका है। इसमें मैं 1 मीडियम साइज का छोटे टुकड़े में किया हुआ गुड़ डाल रही हूँ। गुड़ की जगह पर आप चीनी में भी बना सकते हैं, लेकिन गुड़ में ये ज़्यादा हेल्दी होता है और टेस्टी भी लगता है। 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसमें पानी डाल दिया है। इसे ढक करके मीडियम लो फ्लेम पर 3-4 मिनट तक पका लेंगे। मैंने ढक करके 3 मिनट तक पकाया है। आप देख सकते हैं गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है और ये चाशनी अभी पतला दिख रहा है, तो इसे गाढ़ा होने तक पकाना है। गैस का फ्लेम मीडियम लो पर रखेंगे और मीडियम लो पर ही इसे पकाएंगे। इस मुरब्बे का टेस्ट बढ़ाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1/2 चम्मच इसमें भुना हुआ जीरा का पाउडर डालेंगे। इससे मुरब्बा का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। इसे आप खट्टे मीठी आम की चटनी भी खा सकते हैं। मैंने इसे लगातार चलाते हुए 3-4 मिनट और पकाया है। आप देख सकते हैं ये गाढ़ा हो चुका है, गैस को भी मैंने ऑफ कर दिया है। ठंडा होने के बाद ये मुरब्बा और गाढ़ा हो जाएगा। तो आप इसे कांच के जार में भर के रख दें और महीने तक खा सकते हैं, ख़राब नहीं होगा। बहुत ही स्वादिष्ट हमारा ये मुरब्बा बन के तैयार हुआ है। मुझे उम्मीद है आप सबको हमारी रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।